Good morning students, welcome to your English class. Today we will start our chapter 6, Expert Detectives. Before reading, Nishad, a boy of 7, also called 7 because his name means the 7th note on the musical scale. तो आपको पता होगा कि जो म्यूज़िक होते हैं उसमें 7 नोट्स होते हैं, सारे गामा पाधा निसा, सारे गामा पाधा नी. सो जो नी वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं निषाद. एंड हिज 10 ईयर ओल्ड सिस्टर माया वर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ. जो निषाद है वो 7 ईयर का बॉय है और उसकी एक सिस्टर है जो उससे बड़ी है 10 ईयर्स ओल्ड की, जिसका नाम माया है. वो काफ़ी क्यूरियस, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस मीन्स होता है कि काफ़ी जिज्ञासा या उत्सुक होना होता है ना किसी चीज़ के लिए. वो काफ़ी जानना चाहते थे मिस्टर नाथ के बारे में. देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल इन टू द मिस्टर नाथ्स रूम एंड निषाद गेट ए चांस टू सी हिम. सो एक दिन क्या होता है, उनके जो मार्बल होते हैं, जो आप कहते हैं कि कांच की गोलियाँ होती हैं, वो मिस्टर नाथ के रूम में चली जाती है और निषाद को उनसे उन्हें पहली बार देखने का मौका मिलता है. इज़ ही अ क्रूक ऑन द रन, क्या वो एक क्रूक मतलब चोर या ऐसे उल्टे काम करने वाले हैं जो भाग रहे हैं. वाई हिज फेस बैडली स्कार्ड, कि उनके फेस पे इतने सारे स्कार, इतने निशान क्यों हैं. वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स, उनके कोई फ्रेंड क्यों नहीं है. निषाद्स मदर अ डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज़ वेरी पोलाइट. जो निषाद की मम्मी हैं जो एक डॉक्टर हैं, वो मिस्टर नाथ को ऐसे जानती है कि वो एक पेशेंट है और काफ़ी अच्छे हैं, पोलाइट है मतलब काफ़ी नरम दिल के हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. देर आर टू पार्ट्स इन द पोएम, सो लेट्स रीड द फर्स्ट वन टुडे. एज वी वॉक टूवर्ड द क्लिनिक सेवन सेड, सो सेवन यहाँ कौन है, निषाद. ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया, बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज, मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट. सो जो सेवन है मतलब निषाद है, वो अपनी बहन के पीछे पीछे चल रहा है और वो कहता है कि वो कोई मॉन्स्टर मतलब कोई जानवर की तरह नहीं लगते माया, पर तुमने देखा वो कितने पतले थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा पतले थे वो, शायद वो गरीब हैं और वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब उनके पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं. ही कैंट बी पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन आई टोल्ड हिम. सो वो कहते हैं कि शायद वो गरीब नहीं है पर एक चोर हैं या ऐसे कोई डकैत हैं जो भाग रहे हैं पुलिस से. ही इज़ प्रोबेबली गेट मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्टैश्ड अवे समवेयर इन द रूम. उनके पास शायद मिलियंस ऑफ मतलब लाखों रुपए हो सकते हैं जो उन्होंने कमरे में कहीं कोने में छुपा रखे होंगे. डू यू रियली थिंक ही इज़ क्रिमिनल माया, तो निषाद कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है वो कोई क्रिमिनल है. ही डजंट लुक लाइक वन, वो लगते नहीं है देखने से. निषाद लुक्स डाउटफुल, निषाद डाउटफुल तरीके से उसे देखता है, मतलब काफ़ी हैरानी से देखता है. ऑफ कोर्स ही इज़ वन सेवन, तो माया कहती है कि हाँ बिल्कुल वो है सेवन, सेवन मतलब निषाद. एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग, और वो ज़रूर और वो बिल्कुल भी भूखे नहीं लगते. स्टार्विंग मतलब जिन्हें भूख लगती है या जिनको खाना नहीं मिलता. मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग हिज मील अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर, तो उन्होंने कहा कि मिस्टर मेहता ने बताया कि जो रमेश है वो उनके लिए रोज़ खाना लेके आता है नीचे से रेस्टोरेंट से, मतलब नीचे कोई रेस्टोरेंट है वहाँ से उनके लिए हमेशा खाना लेके आता है. नाउ यू कैन सी दिस इज़ निषाद, दिस इज़ माया एंड दे आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर, यस मिस्टर नाथ. नाउ लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. बट माया मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड्स, निषाद सेड. सो निषाद पर कहता है कि मिस्टर मेहता ने बताया था कि वो कहीं काम करने नहीं जाते हैं, तो उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे खाने के लिए. एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम, तो माया कहती है हाँ वही तो मैं कह रही हूँ
ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, उनके पास बहुत सारा पैसा होगा जो उन्होंने छुपा रखा है. मे बी इन द ट्रंक इन हिज रूम, शायद जो उनके रूम में बड़ा सा जो हम कहते हैं लोहे की एक पेटी सी होती है उसके अंदर छुपा रखा होगा. ही इज़ प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड, ने कहा कि शायद उनके पास बहुत ज़्यादा सोना चांदी और जेवरात, इतना बोलते ही वो बीच में अटक जाती है. वट रबिश, निषाद इंटरप्टेड, निषाद तभी बीच में बोल देते हैं क्या बकवास है, रबिश मतलब बकवास. आई नो आई एम राइट स्टूपिड आई टोल्ड हिम, तो माया कहती है कि मुझे पता है मैं सही हूँ स्टूपिड. बाय द वे सेवन, डिड यू सी हिज स्कार्स, तो वो उससे पूछती है कि निषाद क्या तुमने उनके चेहरे पे स्कार्स देखे. आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद पुलिस और समथिंग. उन्होंने कहा कि मैं ढंग से देख नहीं पाई क्योंकि काफ़ी अंधेरा था, पर मैं श्योर हूँ कि वो चेहरे पे निशान किस में है, शूट आउट मतलब पुलिस के साथ कोई मुठभेड़ में उनके चेहरे पे लगी होगी. मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न्स कार, तो निषाद कहता है आराम से फर्मली मतलब आराम से कहता है कि मम्मी ने बताया था कि वो जलने के निशान हैं उनके चेहरे पे. Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. तो माया कहती है शायद पुलिस वालों ने उनके घर में आग लगा दी होगी ताकि वो घर से बाहर निकल जाए. Seven looked unsure. निषाद काफ़ी हैरानी से उसे देखता है. Unsure मतलब कि पक्का नहीं होता, वो confusion से उसे देखता है. On the Monday following Mama's birthday, Seven went alone with her to clinic in Girgwam as I was spending the evening with a school friend. So Monday को मामाज के बर्थडे के दिन, तो वो क्या करते हैं सेवन मतलब निषाद है वो अपनी मम्मी के साथ कहाँ चला जाता है, क्लिनिक चला जाता है जो गिरगाम जगह का नाम है, वहाँ पे था. और जो माया है वो अपने एक फ्रेंड स्कूल फ्रेंड के साथ वहाँ घर में रुकती है. When they returned, Nishad told me he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. So Nishad कहता है कि जो वो Mr. Nath से मिल के आया है, और माया को इस बात पे काफ़ी गुस्सा आता है, annoyed मतलब काफ़ी चिड़चिड़ा सा महसूस होता है कि वो नहीं मिल पाई उनसे. Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. जो निषाद है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट था, काफ़ी उदास था क्योंकि मिस्टर नाथ काफ़ी दुबले पतले, गॉन्ट मतलब जैसे काफ़ी पतले होते हैं वैसे उनकी अपीयरेंस थी, ऐसे दिख रहे थे, और शायद वो श्योर था कि वो ज़रूर उन्हें काफ़ी भूख लगती है और उन्हें खाना नहीं मिलता है. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." तो उसने बताया कि उसने उस शाम को मिस्टर नाथ के गेट पे नॉक किया था और कहा था कि मिस्टर नाथ गेट खोलिए जल्दी. The man had opened it and asked him, "Lost another marble?" तो उस आदमी ने जो मिस्टर नाथ है उन्होंने गेट खोला और पूछा कि क्या तुमने अपनी मार्बल खो दी है, मार्बल मतलब वही कांच की गोलियां. ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माय ब्रदर, तो उन्होंने उनके भाई को पहचान लिया, मतलब माया इस स्टोरी को डिक्टेट कर रही है, तो माया कह रही है कि उन्होंने मेरे भाई को पहचान लिया, मतलब उन्होंने निषाद को पहचान लिया. नो सैड निषाद, निषाद ने कहा नहीं. ही हैड टेकन द मैंस हैंड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इन टू इट, तो उसने क्या किया, उस निषाद ने कहा कि नहीं मैं मतलब मार्बल लेने नहीं आया हूँ, और उसने उस मिस्टर नाथ का हाथ अपने हाथ में लिया और उनके हाथ में ज़बरदस्ती एक चॉकलेट पकड़ा दी. डिड यू गेट ए चांस टू पीक इन टू द ट्रंक सेवन, आई आस्क, तो माया उससे पूछती है कि क्या तुमने मौका मिला कि तुम उनके ट्रंक में झांक सको, मतलब वो जो सूटकेस था जिसके अंदर वो कह रहे थे कि सोना चांदी है, तो क्या तुम्हें उसमें झांकने का मौका मिला. निषाद लुक डिसअपॉइंटेड, निषाद था वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो गया, मतलब काफ़ी उदास हो गया. ही डिडंट इवन आस्क मी इन, उसने कहा कि मिस्टर नाथ ने मुझे अंदर तक नहीं बुलाया. ही सैड देन ही स्माइल्ड,
फिर उसके बाद वो मुस्कराया निषाद, बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया, आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश मर्केंट आई एंड टॉक टू हिम। तो उसने निषाद ने बताया कि मैं नीचे गया और मैंने रेस्टोरेंट में रमेश से बात की मिस्टर नाथ के बारे में। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक, आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली। तो माया कहती है बहुत अच्छा किया तुमने मिस्टर डिटेक्टिव। मिस्टर डिटेक्टिव किसको बोल रहे हैं, निषाद को बोल रहे हैं। तो उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई, माया ने निषाद की पीठ थपथपाई और कहा कि अच्छा मुझे उम्मीद है तुमने उनसे काफ़ी सारे सवाल पूछे होंगे, उनसे जो सवाल काफ़ी प्रॉपरली मतलब काफ़ी अच्छे से सवाल पूछे होंगे। सेवन लुक प्लीज, जो निषाद है वो काफ़ी खुश हो गया। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स टू मील फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड टू कप्स ऑफ टी। तो जो सेवन है मतलब निषाद है, उसने कहा कि रमेश ने बताया कि वो दिन में दो बार खाना लेके मिस्टर नाथ के पास जाता है, एक सुबह और एक शाम को, और दो कप चाय भी। वन इन द मॉर्निंग एंड द वन इन आफ्टरनून, एक सुबह और एक दोपहर को। रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, इट्स ऑलवेज द सेम फूड। तो रमेश ने बताया कि वो अपने फूड को लेके ज़्यादा सोचते नहीं हैं, वो हमेशा एक ही खाना एक ही टाइप का खाना खाते हैं, टू चपातीज सम दाल एंड अ वेजिटेबल। मतलब क्या क्या खाते हैं वो, दो चपातीज थोड़ा दाल और थोड़ी सब्ज़ी। मिस्टर नाथ पे कैश एंड टिप्स वेल, और मिस्टर नाथ है वो कैश में पे करते हैं, मतलब वो पैसे भी देते हैं और टिप्स भी देते हैं, टिप मतलब जो हम एक्स्ट्रा पैसे देते हैं वेटर के लिए। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, तो वो बताता है कि रमेश ने मुझे बहुत ही अजीब बात भी बताई। सेवन एडेड ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज टू लंच टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम। तो वो बताते हैं कि संडे को वो मिस्टर नाथ के जो रूम में हैं दो मील लेके जाता है, मतलब एक जैसे मिस्टर नाथ के अकेले के लिए नहीं, उनके साथ एक और पर्सन होता है जिसके लिए वो खाना लेके जाता है, और हमेशा एक ही आदमी वहाँ बैठा होता है, मतलब उनके साथ एक ही आदमी हमेशा उनसे मिलने आता है हर संडे। ही स्टॉल फेयर स्टाउट एंड वियर्स वियर्स स्पेक्टिकल्स। तो वो बताता है कि वो एक लंबा गोरा स्टाउट मतलब हो गया थोड़ा लंबा चौड़ा सा, एंड वियर स्पेक्टिकल्स और वो चश्मा लगाता है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स। रमेश बताता है जो उनसे मिलने आते हैं हर संडे वो काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं, पर मिस्टर नाथ इतना बोलते नहीं हैं, मतलब वो कभी कभार ही बात करते हैं। वेल डन निषाद आई टोल्ड हिम, तो माया निषाद को कहती है कि वेल डन बहुत अच्छा किया। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद अवर इंक्वायरी वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रुक। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हारी इस इंक्वायरी की वजह से, तुमने ये जो क्वेश्चंस पूछे हैं रमेश से उसकी वजह से हमने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया इस केस में, अब हमें एक्सपर्ट की तरह ये सारा कुछ सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, सॉर्ट आउट मतलब करना अरेंज करना होगा सभी फैक्ट्स को, ताकि हम जो हैं वो क्रुक है मतलब मिस्टर नाथ जो जिसे वो चोर समझते हैं उन्हें हम पकड़ सके, ट्रैप कर सके, फंसा सके। नाउ यू डू गो ऑन माया सेवन साइड, तो वो निषाद कहता है कि ठीक है अब तुम ही जो आगे बढ़ो। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ अ क्रुक, तुम कैसे सोच सकती हो कि वो एक चोर हैं। ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, वो तो काफ़ी आम मतलब नॉर्मल से लगते हैं। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी आई रिटोर्टेड, तो माया कहती है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो काफ़ी ऑर्डनरी ही दिखते हैं। स्मार्टी किसको बोल रही है वो, निषाद को। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे, ही लुक लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, निषाद लुक डाउटफुल। सो माया बताती है कि क्या तुमने हैदराबाद में एक हाउस ब्रेकर मतलब हैदराबाद में जो घरों के ताले तोड़ के जो चोरी करने वाली न्यूज़ आई थी उसमें जो क्रिमिनल था वो भी एक नॉर्मल पर्सन की तरह ही दिखता था, जो ऐसे सड़कों पे घूमते हैं,
तो ये बात सुन के निषाद को थोड़ा डाउट सा हुआ। द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, अगले दिन से मानसून शुरू हो गया, मतलब बारिशें शुरू हो गई। डार्क क्लाउड्स अकम्पनीड बाय ब्लाइंडिंग फ्लैशेज ऑफ लाइटनिंग एंड रोरिंग रोल्स ऑफ थंडर बर्स्ट विद ऑल देयर फ्यूरी। तो ये बताया हुआ है कि मानसून का मतलब सीन बताया हुआ है कि डार्क क्लाउड्स, काले बादल आ गए, उनके साथ ब्लाइंडिंग फ्लैश, जो अंधा कर देने वाली लाइटनिंग, मतलब जो बिजली कड़कना हो रहा था, रोरिंग रोल्स ऑफ थंडर, और उनके कड़कने की आवाज़ आ रही थी। बर्स्ट विद ऑल देयर फ्यूरी, काफ़ी फ्यूरी मतलब बहुत ही जैसे गुस्से से होता है, वह सारे भड़क रहे थे। फ्लडिंग द स्ट्रीट विद द हैवी डाउनपोर, और जो पूरी स्ट्रीट्स है, पूरी गलियां हैं, उसमें पानी भर गया था। फ्लड मतलब बाढ़ सी आ जाना। स्कूल वॉज टू हैव रीओपन्ड आफ्टर द समर हॉलीडे, बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लड रोड्स एंड देर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। सो जो स्कूल है वो रीओपन हो गए थे समर हॉलीडेज के बाद, पर ट्रैफिक नहीं हो पा चल रहा था क्योंकि सड़कें पूरी भर गई थी, और इस वजह से स्कूल की छुट्टी होगी। अनएक्सपेक्टेड मतलब जो एक्सपेक्ट नहीं किया था उन्होंने, ऐसी एक छुट्टी होगी। आई थॉट आई हैड स्पेंड द टाइम यूजफुली, और माया को लगा उसने जो टाइम है वो काफ़ी यूज़फुल तरीके से स्पेंड किया। आई सेट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। उसने क्या किया, वो अपने टेबल पे, अपने बेडरूम में जो टेबल था उस पे बैठ गई और उसने एक अखबार खोल लिया। सो अभी तक हमने पढ़ा है कि जो माया है, वो जो एल्डर सिस्टर है, वो मिस्टर नाथ पे डाउट करती है कि वो एक चोर हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा है, और इस तरह वो निषाद को कहती है कि तुम उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो और हम इसके बारे में पता लगाएंगे और उसे फंसाएंगे। तो अभी तक इतना चल रहा है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस मच। वी विल कंटिन्यू द चैप्टर एंड फिनिश इट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।